राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के आचर मदर मिल्क बैंक में मंगलवार से विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम एस चांदावत ने स्तनपान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने मदर मिल्क बैंक की ओर से ब्रेस्ट फीडिंग के क्षेत्र में दी जा रही उपचारात्मक सेवाओं की जानकारी देते हुए उसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम है, बाहर का दूध पिलाना सेहत के लिए हानिकारक है। साथ ही उन्होंने मदर मिल्क की कार्यप्रणाली की भी जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर पीएम बोहरा ने विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। कदम बढ़ाओ स्तनपान की ओर से थीम पर आयोजित स्तनपान सप्ताह शुभारंभ के मौके पर एमसीएच विंग पीएमओ डॉक्टर विद्या सक्सेना, डॉक्टर श्रीमती श्रुति चौधरी, नितेशा भाटी, रजनी, सरोजना, बीना, यशोदा, चंद्रकांता, राजकुमारी तथा महेंद्र आदि उपस्थित थे। स्तनपान सप्ताह के दौरान 2 अगस्त को पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता, 3 अगस्त को क्विज, 4 को निबंध, 5 अगस्त को रैली, 6 अगस्त को डिबेट तथा 7 अगस्त को समापन के साथ पुरस्कार वितरण का आयोजन किया जाएगा। यथार्थ के धरातल पे उतारना, उसको मतलब एक बहुत ही काबिले तारीफ है। इसके लिए डॉक्टर एम एस चांदावत जी, डॉक्टर बोहरा जी और यहाँ का स्टाफ, ये सब बहुत बधाई के पात्र है। जैसे कि हम भी जो है मतलब सारी मदर्स को काउंसिल करते हैं कि फॉर्मूला फीड देना ही नहीं है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, उसके लिए मोटिवेट करते हैं। अब कई बार क्या होता है, कारणवश कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, कोई लो बर्थ वेट होता है, प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, या फिर किसी कारणवश किसी बच्चे की मतलब किस माँ को खो चुके होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि बजाय फॉर्मूला फीड के एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है कि मदर मिल्क में जो है वो दूध अवेलेबल, माँ का दूध जिसको अपन बोलते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। और इसके लिए हम सबको, जैसा कि सप्ताह मनाया जा रहा है मोटिवेशन के लिए, तो हम सबको मिलकर ज्यादा से ज्यादा माताओं को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए।